हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दालचीनी पाउडर। ये बहुत हेल्दी तो रहता ही है, लेकिन अगर हम इसे किसी भी सब्जी में डाल दें तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इनरिच कर देता है। जैसे अगर हम इसे पनीर में डालते हैं, दाल मखनी में डालते हैं, या बहुत सी सब्जी है किसी में भी डालते हैं, तो बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आ जाता है इससे। इसे बनाना बहुत सिंपल है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए ये हम मैंने दालचीनी स्टिक्स जो आती हैं बाज़ार में वो ले ली हैं। ये मैंने जो दालचीनी स्टिक्स है वो कढ़ाई में डाल दी है और बस थोड़ा थोड़ा तोड़ देना है और इसे 2 से 5 मिनट हमने बस इसे ड्राई रोस्ट करना है। इसे तोड़ के इसे हिलाते रहेंगे, 2 से 4 मिनट में ये हो जाएगी। इसकी थोड़ी सी हल्की सी आपको खुशबू आने लगेगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ड्राई रोस्ट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दालचीनी की खुशबू आने लगी, अच्छी से ड्राई रोस्ट हो गई है। अब हम गैस फ्लेम जो है अपनी बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के बाद पीस लेते हैं। और जो दालचीनी है मैंने मिक्सी के जार में डाल दी है, अब इसे चर्म कर लेते हैं। ये ठंडी हो चुकी है, हमारा फाइन पाउडर बनके तैयार है और ये हमारा दालचीनी पाउडर बनके तैयार है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।